तो 1 2 3 ओ भाई मारो और गोल्डन एप्पल खा लो। ये आई थिंक अभी एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है यहाँ पे, तो अभी वेट करते हैं चिंटू के लिए, चिंटू ठीक होता है या नहीं होता, बट अगर ठीक जैसे ठीक होता है भाई तो उन लोगों को खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो ये भाई चिंटू, ओ चिंटू, ये भाई चिंटू अपनी बात भी मानता है। सो हे गाइस वेलकम बैक इन टुडेज़ वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि हमने कैसे चिंटू को यहाँ पे मतलब पकड़ लिया था, लेकिन अभी हम लोगों को चिंटू को एकदम ठीक करना है, मतलब चिंटू अभी थोड़ा सा इंजर्ड है, मतलब इंजर्ड कहो या फिर इन्फेक्टेड कहो, तो अभी हम लोगों को उसे ठीक करना है। बट उसको ठीक करने के लिए हमें पोशन बनाना होगा, और पोशन बनाने के लिए हमको 2-3 चीज़ों की जरूरत होगी, तो उसके लिए मेरे को नेदर वर्ल्ड जाना होगा। तो भैया हम चलते हैं नेदर वर्ल्ड के अंदर। नेदर वर्ल्ड मतलब कि नरक का भैया द्वार है ये, एंड यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। अबे भाई तू कहाँ से आ गया, निकल यहाँ से, निकल 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 भाई, कहाँ मेरे पीछे आ रहा है, इसको भाई जला के मारना चाहिए, मेरे को मजे आते हैं। ओके तो सबसे खतरनाक भाई मुझे ये लगते हैं ना, धक्का मारते हैं भाई, मतलब लावा वावा के अंदर धक्का मार देते हैं। तो मैं यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉग्स को लेकर आता हूँ, एंड देखते हैं कि अगर डॉग्स यहाँ पे आ जाए ना, फिर चेक करते हैं भाई, अगर मैंने इसको मारा और डॉग अगर मारने में कामयाब हो गए तो मैं 2 कुत्तों को यहाँ से लेके चलता हूँ। फटाफट से आ जाओ भाई, 2 कुत्तों को भाई हम यहाँ से लेके चलते हैं एंड ट्राई करते हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कुत्ते खेलते रहते हैं, तो मैं इसको धक्का मार के देखता हूँ। एंड ढक्के के ये एक तो पहुँच गया, एंड दूसरे को भी धक्का मार के देखता हूँ। चल भाई जल्दी निकल भाई, पहुँच जा भाई, पहुँच गए तो अभी चेक करते हैं भाई ये वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे। सो फाइनली गाइस दोनों कुत्ते अपने यहाँ पहुँच चुके हैं, एंड देखा भाई नई नई चीज़ें भाई ट्राई करते, तुम लोगों ने शायद ये पहली बार कहीं देखा होगा कि हम लोग डॉग्स को यहाँ पे नेदर वर्ल्ड के अंदर ले आए। तो अब चेक करते हैं भाई यहाँ पे फाइट करा के कि बंदे काम करते हैं नहीं करते। तो भाई मार रहा भाई, मार रहा, वेल डन मेरे डॉग्स, वेल डन देयर फाइटिंग वेल, मार भाई मार। वैसे आई थिंक पता नहीं यार मार रहा है नहीं मार, ओहो भाई अरे भाई मार दिया। और दिक्कत यही है भाई, इसको एक को मारते हैं ना तो भाई ये बहुत सारे मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, एंड अभी कितने सारे हो गए, अब ये मेरे को एक एक करके सबको मारना होगा तभी ये कुत्ते इनको मारेंगे, वरना ये सिर्फ बड़े वाले को मार देते हैं उसके बाद नहीं। तो भैया अरे भाई ये देखिए धक्का मारते हैं ना, ये तो बड़ा यार दिमाग खराब होता है, मतलब पीछे अगर लावा होना तो भाई लावा के अंदर ही गिरेंगे सीधे। तो फटाफट से इनको मारते हैं भाई यहाँ पे, वैसे अपने डॉग्स वगैरह मार तो रहे हैं लेकिन भाई एक बंदा कहाँ गया अपना, मुझे एक ही दिख रहा है। ओके तो अभी इसको तो हमने मार दिया, लेकिन हमारा एक बंदा कहाँ गया भाई, ये एक ही है, दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा वाला शायद मेरे ख्याल से कहीं गिर भी गया, पता नहीं इनको दिखा नहीं शायद, मेरे ख्याल से कहीं गायब भी हो गया यार वो वाला, या तो भाई उसका यहाँ पे मन नहीं गया होगा, वो निकल गया होगा, या फिर मेरे ख्याल से कहीं गिर गया, लेकिन साइड में कहीं लिखा हुआ तो आया नहीं स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं यार क्यों लिखा हुआ नहीं आया। तो एक काम करते हैं अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, मैंने इसकी हेल्थ तो ठीक कर दी है, एंड अरे यार ये बहुत सारे हैं यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा है भाई, ये निकलना हुआ यहाँ से। वैसे मेरे को यहाँ पे अभी फोर्टिस की फोर्टिस तुम लोगों ने सुना होगा, तो मेरे को उसकी रास्ता ढूंढनी है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ जो मिलेगी वो फोर्टिस के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर ही वहाँ पे स्पॉनर होते हैं और स्पॉनर से ही मेरे को वो मिलेगा। तो अभी फिलहाल मेरे को वो चीज़ ढूंढनी होगी, एंड ढूंढना आसान है उसको, मतलब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मेरे को दिखी आसपास तो वो मेरे को बहुत दूर से दिख जाएगी कि वो है फोर्टिस। तो अभी फिलहाल मुझे यार उसे ढूंढना है, तो उसको ढूंढने के लिए मुझे यहाँ से सबसे ऊपर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी मेरे को दिखेगा वो। एंड अभी यार इनको तो पहले सूदना पड़ेगा, मेरे को काफ़ी हो गया यार यहाँ पे। तो अरे भाई अपना दूसरा वाला जो बंदा है वो आई थिंक गिर गया भाई लावा के अंदर। दादा का भाई का सबका बदला ले अगर अतरा फजर। तो भैया हमने बदला ले चुका है इन सबसे, क्योंकि भाई इसने हमारे डॉग्स को मारा था, तो भैया बदला तो लेना था ही। मतलब इतनी गंदी किस्मत क्यों है, वैसे भी यार नेदर में अगर तुम आए और मरे नहीं ना तो क्या खाक नेदर में आए तुम। तो फटाफट से यार मेरे पर ना नेदर में जाने के लिए मतलब मेरे को ऐसे जा नहीं सकता, मतलब अगर मैं ऐसे मतलब खाली हाथ जाऊंगा ना तो भाई फिर तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, एंड अभी रिस्क अपने आपको लेना नहीं है। तो मैं फटाफट से पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत शील्ड और तलवार वाला ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे तो मेरे को इंसान पहले से मिलेंगे, एंड यार यही फायदा होता है एक्स्ट्रा सामान अपना जो स्टोर करने का। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकन लेता हूँ, एंड इसके अलावा हाँ भाई एक काम और करना है मेरे को, यहाँ से ये तलवार वाला लेता हूँ निकलता हूँ। एंड आई थिंक मैं कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ यार, मेरे ख्याल से मुझे एक चीज़ यहाँ से और ले लेनी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब डर्ट वगैरह या फिर कोई स्टोन वगैरह ले लूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को ऊपर निकलना होगा, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ यार स्टोन्स वगैरह ले के ही निकल लूँ यहाँ से।
और या आई थिंक ले ही लेना चाहिए यार। तो फटाफट से गाइस चलते हैं एंड स्टोन्स वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे चले गया वहाँ पे तो थोड़ा बहुत मेरे को टाइम, मतलब थोड़ा बहुत क्या टाइम, बहुत ज़्यादा लगने वाला है अगर मैं बिना स्टोन से चले गया। सबसे पहले भाई काम करते हैं, स्टोन लेकर आते हैं यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ केबल स्टोन तो अपने पास बहुत है, तो केबल स्टोन लेते हैं यहाँ से। ओके भाई, सबसे ज़्यादा अपने पास केबल स्टोन ही है, ये केबल स्टोन ले लिया मैंने, काफ़ी ले लिया भाई यहाँ पे, क्योंकि भैया कमी नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। एंड अब फटाफट से चलते हैं भाई, मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा पार्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत दूर है। वैसे मेरे को मेरा सामान जो है मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को रास्ता एकदम एग्जैक्टली याद है एंड 5 मिनट तक अपना सामान वहाँ पे रखा रहेगा तो मिल जाएगा भाई। 6.5 hours later सो फाइनली गाइस अपना सामान तो मेरे को मिल चुका है यहाँ पे। मेरे को काफ़ी ढूंढना पड़ा, मैं ऊपर जाकर भूल गया था, बट फाइनली फिर मेरे को मिल ही गया। ज़्यादा दूर था नहीं वैसे ये। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ढूंढते काफ़ी मैंने पार्ट बीच का स्किप कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढा, उसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो गाइस आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो मिलेगा यहाँ पे ना भाई, यही है भाई नेदर फोर्टिस। तो भाई नीचे देखो, हम लोगों ने एक और एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया अभी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भैया फोर्टिस के अंदर। अब यहाँ पे हम लोगों को ना बहुत सारे चेस्ट मिलेंगे भाई, उसके अंदर बहुत ही अल्टीमेट चीज़ होंगी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे स्पॉनर वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो जब भी मैं जो चीज़ यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ अपने पोशन के लिए भाई, वो मेरे को यहीं पे कहीं, ये देखो भाई ये रहा। इन बंदों को अगर मैं मारूंगा भाई यहाँ पे, तो मेरे को जो है ये सामान देंगे। अब उस चीज़ से फिर मैं पोशन बनाने, मतलब उस चीज़ से मैं पोशन बना पाऊंगा। तो सबसे पहले भाई इन लोगों को मारते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे को मेरे ख्याल से 5-6 मारने हैं, लेकिन अभी हम इतना दूर आए हैं क्योंकि ये बहुत दूर है भाई जगह। तो मैं भाई अच्छा खासा सामान यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, एंड मेरे पास चिकन वगैरह भी अच्छा खासा है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से अच्छा खासा सामान लेके जाने वाला हूँ। अरे भाई हट जा भाई, आग लग गई यार। यहाँ पे सबसे गंदी चीज़ यही है भाई, आग लग जाती है। कोई ऐसी कोई चीज़ हो ना जिससे मतलब फायर रेजिस्टेंट अपना सूट बन जाएगा ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं हो करेगी। अब मैं ऐसे तो भाई खेल लाला हूँ नहीं यहाँ पे भाई, अगर ऊपर जाके से होऊंगा तो भाई अपने आप को तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं काम करता हूँ मैं यहाँ से ऊपर, मतलब मैं इस पास कैबल स्टोन तो है ही, मैं ऊपर यहाँ पे कैबल स्टोन यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड अब जब भी वो बंदे आएंगे तो यहाँ से खींच जाऊंगा, क्योंकि वो बंदे मेरे पीछे यहाँ से आ नहीं पाएंगे, वो यहाँ पे फंस जाएंगे। एंड उनको मैं फिर यहाँ पे, मेरे पास बो भी है और स्वॉर्ड भी है, तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे उन लोगों को मार पाऊंगा। तो भाई आ जाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके तो ये रहा भाई वो बंदा। ओके ये भाई एक और फट गया। तो आई थिंक मेरा जो प्लान है ये काम तो कर रहा है यार। ओके बट यार ये ऊपर तक मेरे को दिख नहीं रहे। हाँ अब शायद मेरे ख्याल से थोड़ा काम अच्छा होगा। ओके तो मेरे ख्याल से अपना काम बन तो चुका है, तो फटाफट से थोड़ा पार्ट स्किप करके तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस मेरा बहुत सारा सामान यहाँ से ले चुका है ना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ अब। लेकिन मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को चेस्ट वगैरह भी मिल सकती है काफ़ी, तो मैं थोड़ा सा यार एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे। और ये वाला अपना सारा सामान तो यहाँ से मैं ले चुका हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ मैंने यहाँ पे ले चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा आगे एक्सप्लोर करूँ, हो सकता है मेरे को यहाँ पे कुछ सामान मिल जाए। तो ओह देखा भाई, ये डायमंड का सामान मिल चुका है मुझे यहाँ पे, एंड डायमंड का हॉर्स आर्मर मिल चुका है यहाँ पे, हॉर्स शील्ड कह लो। एंड यहाँ पे मुझे अभी और भी चेस्ट क्रेट मिल सकते हैं यार, तो ढूंढते हैं भाई थोड़ा बहुत, अगर और मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को चेस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है। तो आई होप इसके अंदर भी कुछ तगड़ा सा ही हो यार। ये आयरन और ये गोल्ड यार, आई डोंट लाइक यार, मतलब डायमंड का सामान मिले तो अलग सा मजा आता है यार, गोल्ड का तो इतना हम लोग यूज़ करते नहीं है। खैर तो फटाफट से भाई मैं यहाँ पे तुम लोगों को सामान लेके दिखाता हूँ, कि ये जो भी है भाई ये सोल सैंड है, और जितना भी सामान आपको यहाँ पे दिख रहा है मतलब भाई सब लूट लो, मतलब जो भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है भाई मैं लूटते जा रहा हूँ, मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ कि क्या मिल रहा है, बट मैं लेते जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो मशरूम, यहाँ पे जो सामान मैं लूट रहा हूँ भाई, वो मशरूम और सोल सैंड वगैरह है, तो वो सब काम अपने आएगी भाई आगे फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा भाई लोगों मैं जो है यहाँ पर मोस्टली सामान लूटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में जब भी आऊँगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये फोर्टिस की जो ये ब्लॉक्स वगैरह है भाई, वो ज़रूर लेके जाऊँगा। इससे मैं अपना जो कासल कह लो, घर कह लो, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाऊँगा। फिलहाल तो मैं भाई यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं, मतलब बहुत सारा सामान अपने पास इकट्ठा हो गया, इसके अलावा इकट्ठा करना नहीं है, और इसके अलावा मेरे को चेस्ट वगैरह मिलनी भी नहीं है। तो गोल्ड वगैरह यहाँ पे बहुत सारा मेरे को मिल जाता देखने को, तो यहाँ पर भी गोल्ड वगैरह, तो मैं गोल्ड वगैरह लेके जाऊँगा। वैसे गोल्ड की इतनी जरूरत है नहीं, मतलब हम लोग उतना यूज़ करेंगे नहीं, बट फिर भी अगर मिल रहा है फ्री का तो यार छोड़ के क्यों जाए, समझ रहे हो, सही बात है ना। अब यहाँ से फटाफट से मैं देखो, यहाँ पे जब भी आज जैसे आया था मैं यहाँ पे, तो ये मैंने कैबल स्टोन यूज़ करते हुए आया था, जिससे कि अपना रास्ता ना भूलूँ। तो तुम लोग भी अगर कैसे कहीं पे मतलब एक्सप्लोर करते हुए आओ ना, तो भाई अब कैबल स्टोन यूज़ करते हुए जरूर आना, या फिर कोई और जिससे कि तुम भूलो ना, क्योंकि भाई नीदर वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग होता है। तुम अगर यहाँ पे घूम गए ना, तो तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा भाई, तुम्हारे पास मरने के अलावा, मतलब तुमको मरना ही पड़ेगा यार। मैं मेरे संग खुद ऐसा पर्सनली हो चुका है, मुझे मरना पड़ता है, इसलिए तुमको बता रहा हूँ भाई। हमेशा जब भी आओ तो ऐसे कैबल स्टोन मतलब यूज़ करते हुए आओ, जिससे कि तुम लोग भूलो ना रास्ता। तो देखो मैंने पूरा यहाँ पे ब्रिज वगैरह बनाया हुआ था, काफ़ी लंबा लंबा भाई, बहुत ढूंढा था। ओए भाई बच गया,
अरे भाई बच गया यार, इसको पूरा बंद कर देता हूँ वरना ऐसा ना हो कभी फालतू आगे कभी आऊँ और ऐसे मर जाऊँ। और भाई तो ये अपनी रास्ता है, मेरे को यहाँ से नीचे जाना है, मैं नीचे कैसे जाऊँगा? आई थिंक मैं नीचे शायद रास्ता, हाँ यार ये यहाँ से नीचे आया था, काफ़ी घुमाऊ रास्ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तुम लोग अगर ये ढंग से याद नहीं रख पाओगे ना तो भाई भूल जाओगे। अभी भी मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, बट सामने सामने जब मैं एपिसोड को देख रहा हूँ ना भाई, तो मेरे को याद आ रही है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं, यहीं पे आसपास अपना ये है भाई नीदर, ओके नीदर पोर्टल, तो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस यू आर बैक इन अनदर वर्ल्ड। अब फटाफट से हमको करना क्या गाइस, हमको फटाफट से भाई पोशन बनाना है। अब मैं काम करता हूँ, जितना भी सामान है भाई पहले वो रख देता हूँ अब। ओके सो सामान अपना सेट हो चुका है, मेरे को यहाँ से थोड़ा एक आई बॉल लेनी है एंड एक यहाँ से थोड़ा सा सामान ये लेना है। और भाई यहाँ से मेरे को के नहीं, यहाँ से कुछ नहीं लेना है मेरे को। सो आई थिंक अपना इतने सारे सामान से हो जाएगा। सो अब एक काम करते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं एंड मेरे ख्याल से मेरे को एक चीज़ की ज़रूरत जो है भाई वो लेके आनी है मेरे को, तो मैं जितना सामान है भाई उसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड फटाफट से नेदर पोर्टल चलते हैं। मेरे को एक सामान की ज़रूरत है, मतलब मशरूम्स की ज़रूरत है, मशरूम मेरे को लगा मेरे पास है बट मशरूम मेरे पास नहीं है। एंड मशरूम मेरे को मिल जाएंगे, मतलब नीचे मिल जाएंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड डॉग्स को क्या लेके जाऊँ यार, मतलब चलो छोड़ो यार डॉग्स को क्या लेके जाऊँ, डॉग्स वगैरह फालतू में मर जाएंगे, तो हम लोग ऐसे चलते हैं। एंड मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, बट मशरूम मिल तो जाएंगे बट मुझे पता नहीं है एक्चुअली कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ही। तो ओहो भाई सामने मिल गए मशरूम। सो ये गाइस मेरे तक अच्छा हुआ कि मेरे को सामने मशरूम मिल गए, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ढूंढना पड़ता। तो मैं जितने भी मैं मशरूम यहाँ पे सारे ले लेता हूँ, आगे काम ना आगे दोबारा ना आना पड़े मेरे को। फिलहाल मशरूम की ज़रूरत तो भाई एक ही है, लेकिन मैंने बहुत सारे यहाँ पे ले लिए हैं, तो फटाफट से अब चलते हैं भाई अंदर से। अब मेरे पास मेरे ख्याल से मेरे सारा सामान मेरे पास हो चुका है, अब भाई चलते हैं यहाँ पे एंड काम अपना शुरू करते हैं। सो गाइस आर यू गाइस रेडी, मतलब हम लोग भाई अब काम करने वाले हैं फटाफट से भाई चलते हैं। तो वेट नहीं हो रहा भाई, हम लोग चिंटू को ठीक कर पाएंगे, मतलब हमारा जो इन्फेक्टेड चिंटू है भाई। अब मैं यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैंने शुगर बना लिया है एंड शुगर को यहाँ पे पुट करके ये चीज़ मैंने ये बना लिया है। अब इस चीज़ को हमें वहाँ पे पुट करना होगा एंड अपना काम हो जाएगा। इसको भाई रखते हैं भाई मिडल में। अब भाई मुझे चाहिए कुछ बोतल एंड बोतल के लिए मेरे को ग्लास की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे पास बोतल तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ ग्लास बना लेता हूँ। एंड इसके अलावा गाइस मेरे को चाहिए होगा कोल, क्योंकि हीट करने के लिए कोल ऑब्वियसली चाहिए होगा। तो फटाफट से भाई इसके अंदर हम लोग रखते हैं, तो सैंड रख देता हूँ भाई, कोल तो उसके अंदर ऑलरेडी है। एंड लेट्स सी कितनी देर में ये बनते हैं, फटाफट से देखते हैं यार ये बन जाए। तब तक भाई काम करता हूँ, मैं ग्लास ले लेता हूँ एंड थोड़ा सा पानी यहाँ पे लेकर आता हूँ, क्योंकि पानी की जरूरत मेरे को पड़ने वाली है। फटाफट से भाई पानी लेके आता हूँ, रात होने वाली है। सो ओके सो यहाँ पर कहीं पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे मैं गड्ढा करके, मतलब यहाँ पे तो नहीं, आई थिंक यहाँ पर नहीं, कहीं पे यहाँ पे गड्ढा करके पानी रख लेता हूँ, पानी स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को बॉटल के अंदर पानी भरना होगा। तो एक काम करते हैं, इधर नहीं यार, इधर से इधर नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं इधर रखते हैं पानी को। ओके सो गाइस हमारी बोतल यहाँ पे, हमारा ग्लास बन चुका है, ग्लास को हमें कन्वर्ट करना भाई बोटल्स के अंदर। तो तीन बोटल हमारी बन चुकी हैं, तीन की हमें ज़रूरत भी है, तो फटाफट से इनको भाई भर लेते हैं। अब इनको भरने के बाद हमें यहाँ पे यार बोटल को यहाँ पे रख देना है, तो फटाफट से तीनों बोटल को यहाँ पे रख दिए, ये मैंने तीनों बोटल यहाँ पे रख दी हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है भाई, यहाँ से हमको लेना है जो हम यहाँ से नेदर पोर्टल से लेकर आए थे, आई मीन नेदर वर्ल्ड से लेकर आए थे। अब इसके अंदर यहाँ पे इसको रख देते हैं एंड भाई ये हो गया अपना काम चालू। तो भाई थोड़ी देर में ये बन जाएगा एंड मेरे ख्याल से यार दो या तीन बनेंगे, मतलब तीन बोटल के अंदर बन जाएगा ये। तो इसके अलावा हमको कुछ ये भाई यहाँ पे ये चीज़ गन पाउडर, क्योंकि हम लोग को फेंक के मारना है, मतलब हम लोगों को खुद के ऊपर यूज़ नहीं करना, दूसरों के ऊपर यूज़ करना, तो फिर हम लोगों को ऑब्वियसली भाई फेंक के मारना हो, तो हम लोगों को ये भी बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे ये रख देते हैं जिससे कि ये ब्लास्ट हो जाए जिससे भी हम मारे। तो भाई ये जैसे कंप्लीट होगा भाई, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे अपने चिंटू के ऊपर। तो एक चीज़ और यार मेरे को यहाँ पे गोल्डन एप्पल लेना है, क्योंकि जैसे हम ये मारेंगे इसके बाद हमें गोल्डन एप्पल उसके ऊपर मारना पड़ेगा। अब क्यों मारना है भाई, कैसे मारना है, ये सब अपनी बुद्धि मत लगा भाई, जो कर रहा हूँ सीधे करते रहो। ओके तो आई थिंक इट ओके ये हो चुका है भाई लोगों। सो अब गाइस वक्त आ चुका है इसको ट्राई करने का, तो 1 2 3 ओ भाई मारो और गोल्डन एप्पल खा लो। ये आई थिंक अभी एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है यहाँ पे। तो अभी वेट करते हैं चिंटू के लिए, चिंटू ठीक होता है या नहीं होता, बट अगर ठीक जैसे ठीक होता है भाई तो हम लोगों को खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो अभी हमको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो एक काम करते हैं भाई बाहर जाके थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, मतलब अपने दोस्तों को बचाते हैं। भाई तू अंदर कैसे पहुँच जाता है यार, ये अंदर कैसे पहुँच जाता है समझ में नहीं आता भाई। चल निकल पतली गली पकड़।
ओके तो यहाँ पर भाई इसको हमें बाहर निकालना होगा, तो ये ख्याल ओ शिट 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 शिट, अरे यार क्रीपर भाई मुझे हद गंदा लगता है भाई, क्रीपर हद गंदा। फटाफट से अब इसको यहाँ से भरना पड़ेगा वरना ये जितनी भी शीप है भाई मेरी निकल जाएंगी। ओ भाई मत निकलो भाई, मत निकलो मत निकलो भाई, काफ़ी शीप मेरी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं देख सकते हो यार भाई। ये यार क्रीपर का मेरा दिमाग खराब है, क्रीपर बहुत भाई गंदा यार भाई, याद है भाई क्रीपर बहुत। ये भाई साहब अपने अंदर आके फंस चुके हैं भाई यहाँ पे अपना भाई, ये भी तो भोलू है इंसान अपना जो अपना ये आयरन गोलम है भाई, इतना भाई मतलब क्या भाई इतना बेवकूफ़ है भाई, अंदर आके घुस गए यहाँ पे। तो अभी हमको अपने आयरन गोलम भाई से कोई बाहर निकालना है एंड फटाफट से भाई देख कर आते हैं कि अपना जो यहाँ पे ये है बंदा अपना ठीक हुआ है नहीं हुआ। तो अभी तो फिलहाल बंदा ठीक नहीं हुआ है, तो अब तक ठीक नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आपको पूरी रात लगने वाली है ठीक होने के लिए, तो फटाफट से ही पूरी रात में हम लोग थोड़ा काम करते हैं आयरन गोलम को अपने ठीक करते हैं। तो आयरन गोलम को ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं आया ना भाई तो यहाँ पे तबाही होती रहेगी। आ जा भाई बाहर आ, बाहर आ भाई, एक काम करते हैं देखते हैं भाई यहाँ से कूद के बाहर आता है या नहीं आता। अरे भाई ये जंप मेरे ख्याल से नहीं करता, आई थिंक ये जंप नहीं करता, तो इसको निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ आई थिंक ये मैं यहाँ से तोड़ के निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो वाला मेन गेट तोड़ दिया तो भाई वहाँ से जितनी भी शीप है भाई बाहर निकल आएंगी। तो फटाफट से अब मैं एक काम करता हूँ, आ जा भाई अब क्यों नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ से ये आ चुका है एंड यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो एक ही चीज बाहर आई है। अब इसको भी फटाफट से मेरे को यहाँ पे तोड़ के आना पड़ेगा, इसको खोल के अगर मैं बाहर लाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा है ये, तो अभी ये नहीं आ पाएगा, तो मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो तोड़ते हैं इसको, ओके टूट जा भाई, आ जा अब, आ जा भाई अब, आ जा कम ऑन। ये शीप भी बाहर आ गई बट कोई बात नहीं यार, अब आ गई तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू भाई घूम फटाफट से सबको मार, अब मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा अलग कर देता हूँ जिससे कि ये इसके ऊपर से अंदर ना जा पाए, ये इसके अंदर से ही मेरे ख्याल से अंदर चले गया होगा। इसको मारते हैं, मारो भाई कुत्तों मेरे, अपने कुत्ते भाई मतलब बहुत वफादार हैं, बहुत ही तगड़े हैं भाई अपने कुत्ते। अब एक काम करता हूँ भाई, ये चीज़ मैं यहाँ पर रख देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, एंड इसके अलावा मुझे और कुछ यहाँ पर क्या करना भाई, ये अपना जो ये गंदा सा लग रहा है भाई इस चीज़ को चेंज करते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं। तो ये अपना पूरा एरिया भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्रीपर ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, मेरे को इसको भी चेंज करना होगा, मतलब पूरे एरिया को सही करना होगा। तो मैं ये काम करना होगा भाई नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, मैं ये सारा काम मतलब जितना भी ये एरिया उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल भाई सुबह हो चुके हैं एंड पूरी रात हम लोगों ने मतलब इन लोगों से मतलब सुताई वुताई करी है इन लोगों की, एंड अब भाई चल के देखते हैं भाई क्या सीन है भाई अपने चिंटू का। तो ये भाई चिंटू, ओ चिंटू, ये भाई चिंटू अपनी बात भी मानता है एंड फाइनली भाई ये ठीक हो चुका है एंड ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड हम लोग उसको भाई मतलब चिंटू नाम तो दे दिया है बट इसकी इमेज जो है अलग होगी। एंड आई थिंक बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।